देखो बेटा, हम नेक्स्ट देखो, फोन बेटा नोट करो, जदों थोड़े सामने टू डायमेंशनल प्रॉब्लम आएगी है ना, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम दे विच कंपोनेंट्स की हेल्प लेने हैं अपन, पर ये जी रिवर बोट प्रॉब्लम है या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है ना, ये वन डी च भी आ सकती है ना। वन डी की होएगा कि जेड़ा स्विमर है ना या बोट है, वो या तो अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर फ्लो करेगा या ऑपोजिट करेगा, दो ही केस होने हैं ना वे। तो हम उस केस के बेटा तुम ध्यान की रखना, देखो कि अगर थोड़े सामने नोट कर लो कि आ रिवर है, हम रिवर के अंदर आ दो फिक्स्ड पॉइंट्स है ए एंड बी, ठीक है। हम गल नु सुनो पुत, आ जेडे दो पॉइंट्स है ना रिवर के अंदर फिक्स्ड है, रिवर के अंदर फिक्स्ड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है पॉइंट्स। तो आ है एल, हम एक गल हमेशा याद रखो बेटा, जिस डायरेक्शन च रिवर फ्लो कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन च नदी का पानी अगे बढ़ रहा है, तो उस डायरेक्शन नु असी कहने हैं डाउन स्ट्रीम, और उदे उल्ट कहने हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। ये वर्ड पता होने चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब, अगर मान लो सामने कोई कहे कि स्विमर जेड़ा रहा वो डाउन स्ट्रीम स्विमिंग कर रहा है, इट मीन जिधर वो नदी का पानी जा रहा है उस तरफ जा रहा है, तो जी वो कहे कि अप स्ट्रीम कर रहा है इट मीन ऑपोजिट कर रहा है, वर्ड ए याद होने चाहिए है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो ये इन्हों बारे फेमिलियर होना जरूरी है ना, जो अपन यही नहीं पता लग रहा डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम, तो प्रॉब्लम खत्म है ना। चाहे फिजिक्स के कंसेप्ट आते भी हो, तो ये कई गल्लां जिहड़ियां नाल याद रखनियां। हुण पुत्तर देखो, हुण अगर मान लो, लिसन, हुण अगर मान लो आ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, तो ए की शो कर रही है कि बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, ए शो कर रही है बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है ना। पर एक गल याद रखनी है तुसी, जे मैनू कोई कहे कि दसो बोट जिहड़ी डाउन स्ट्रीम जा रही है वो ए तो बी किन्ने टाइम च पहुंचेगी, तो किन्ने टाइम च पहुंचेगी, हुण एक्चुअली ए तो बी जाने लई किन्नी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एल, और ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो इस करके इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने लिए केड़ी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। और वीबी ई कितना निकलूगा, वीबी आर प्लस है ना। हम तुझे इधर नोट करो पुत्र, जदों डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है ना बोट, तो डाउन स्ट्रीम जो तो बोट मूव कर रही है तो वीबीआर और वीआर ई डायरेक्शन की है सेम, तो एक कंपोनेंट वेक्टर है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आ जाएगा, मतलब इथे एल इज इक्वल टू वीबीआर प्लस, आ समझ आई गल, ये आप वन डी की गल कर रहे हैं पुत्र, ध्यान रखो जदों वन डी स्विमर वाली प्रॉब्लम होनी है बोट वाली, जिसका मतलब या तो स्विमर ने
फ्लो ऑफ रिवर दे अलोंग मूव करना या ऑपोजिट मूव करना। जे अलोंग मूव कर रहा था वो डाउन स्ट्रीम है आ वाला केस। और तुसी नोट की कर रहे हैं कि इस केस जो स्विमर ए तो बी जा रहा तो ए और बी हाँ ये डाउन डाउन स्ट्रीम है फ्लो अपना बोटिंग। और इस केस डिस्प्लेसमेंट एल जी है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है तो टाइम टेकन की आएगा एल ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और वो इस वेक्टर फॉर्म दे विचों सेम डायरेक्शन होने करके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। पर जे मान लो हम आ की बने अपस्ट्रीम उन्हें अपस्ट्रीम है ना तो अपस्ट्रीम दे विच बेटा टाइम कितना लगेगा कितना कैलकुलेट करोगे एल ओवर वीबीई। पर हूँ इतने वीबीई कि होगा दोनों का डिफरेंस आएगा ना क्योंकि हाँ आ वी आर ई और वीबीआर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से तो आ जाए ये समझ आ भी रही है विश्व गर्व। महक ओके बेटा लाव्या भाव्या देखो बेटा एक्चुअली गल नूं समझो क्योंकि तुहानूं दस्सिया होया जदों भी तुसी टाइम टेकन दी गल करनी है तां फार्मूला यूनिफॉर्म मोशन च केड़ा यूज करना तुसी डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट दा मैग्नीट्यूड और नीचे वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड। फिर नाल ये भी गल दस्सी पुत्तर जे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो नीचे वेलोसिटी भी टोटल होएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही। तो जे डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट तो फिर वेलोसिटी भी उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वाली यूज होंगी है। तो हुण इस केस दे विच जदों तुसी ए टू बी दो पॉइंट्स की गल करते हैं है ना हुण ए ए और बी दो नदी दे विच फिक्स्ड पॉइंट्स है तो इहदा मतलब बोट नू या स्विमर नू ए तो बी जाण लई या बी तो ए जाण लई कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पै रही है एल। पर किहदे अकॉर्डिंगली अर्थ दे अकॉर्डिंगली। इस करके इस डिस्प्लेसमेंट नू कवर होने लई जिहड़ी बोट दी या स्विमर दी वेलोसिटी है वह भी कि यूज होनी है अर्थ वाली। तो इस करके अर्थ वाली यूज होनी है। और अर्थ की वेलोसिटी कितना निकलती है बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना निकलती है वैक्टर सम तो दो कंपोनेंट्स तो। और हुण आ वैक्टर टर्म्स है जिहड़ियां जे सेम डायरेक्शन च है तो मैगनीट्यूड का सम आ जाता है तो जे ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो डिफरेंस आ जाता वो आप वैक्टर एडिशन च पढ़िया ही होया कंसेप्ट तो इस करके उत्थे वो पॉइंट नोट कर लेने आप। तो हुण लगी है समझ तैनूं महक हम देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए An aeroplane has to go from point A to another point B. An aeroplane has to go from point A to another point B 500 kilometer away. An aeroplane has to go from point A to another point B 500 किलोमीटर अवे
ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 500 किलोमीटर अवे, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. The airspeed of the plane is 150 meter per second. The airspeed of the plane is 150 meter per second. Number one, find the direction. Find the direction in which the pilot should head the plane. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Number two, the time taken by the plane. Number two, the time taken by the plane to go from A to B. हुण इहदे विच बेटा देखो, नोट करो, एक्चुअली ये केड़ी प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम ही है. हुण इत्थे रिवर दे नाल कौन रिप्लेस हो गया, एयर है ना, रिवर वाटर दी जगह एयर आ गया और बोट की जगह प्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया, है ना. तो सारा कुछ वही है, बस ध्यान डायग्राम कितना बनानी है तुसी, तो ये भी होरिजोंटल प्लेन च ही हो रहा सारा कुछ. हुण आपां की करिए पुत्त, इहदे विच आ बना दिंदे आ नॉर्थ, ते आ बना दिंदे आ साउथ, आ बनाता वेस्ट, ते आ बनाता ईस्ट. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आप मान लें ओरिजन नू, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए दिता थानू, तो इनू ए कर लो, कोई गल नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजन नू ए करता था. फाइनल पॉइंट केड़ा वा, बी कितनी दूर है, 500 किलोमीटर है, और केड़ी डायरेक्शन चाहे 500 किलोमीटर, हाँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ के नाल ईस्ट वालू 30 डिग्री, मतलब मैं हूं अपने वालों आ पॉइंट सेट हो जाएगा, आ वाला पॉइंट है ना. हम आ ए टू बी कितना दिता सानू, 500 किलोमीटर, होर की दिता बेटा, इतने वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, स्टेटमेंट पढ़ो, एयर स्पीड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, जिदा उत्ते आंदा ना स्टिल वाटर, ए विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया, वाटर की जगह रिवर की जगह इतने वाटर एयर आ गई है, तो वो कितनी आ गई, 150 मीटर पर सेकेंड है, मॉड आ गया ना इधर. होर की है, विंड दी एयर दी अपनी वेलोसिटी भी दिती है किन्नी, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो किन्नी दिती है, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ.
निकालना किया है। हाँ हम देखो ध्यान दो बेटा, हम एवरेज की होया थानू याद होएगा अपन आ रिलेशन लिखते थी ना, बोथ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम रिवर नु हटा के ओदी जगह कर लो एयर, ते बोट नु हटा के ओदी जगह कर लो प्लेन, वो प्लेन आ गया बेटा। हम एक्चुअली एरोप्लेन ने ए तो बी जो पहुंचना है, मतलब इस डायरेक्शन केड़ी वेलोसिटी है, प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाली है ना, ठीक है। हम एयर की वेलोसिटी किधर नु है, नॉर्थ वाल नु, नॉर्थ वाल नु है। हम तुम देख रहे हैं आ रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो नॉर्थ वाल की वेलोसिटी अगर आप इतना कर देती पुत्र वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर नु करती, तो पैरलोग्राम इधर ही बनानी पैनी है ना। ठीक है, पर हुण एक गल सुनो, ये जी डायग्राम बन गई है ना, ये स्पेशल केस हो गया वा। हुण सानू थोड़ी पता वा कि एयर की वेलोसिटी नाल ए रेक्टेंगल बन जाएगी, तो आप इन्हू जनरल सॉल्व करना पुत्र, ध्यान दियो। इहदा मतलब जे मैं इत्थे हुण गल सुनियो, तो जे मैं इत्थे इदा बनाती है, फिर मतलब मैं स्पेशल केस ले लिया, मैं की करन लगा इन्हू छोटा कर देना, इदा करता। हुण जदों इदा करता, हुण गल सुनियो इधर, थोड़ी पैरलोग्राम इदा कंप्लीट होनी ना, हुण इदा होगी, इहदा मतलब आ जिहड़ी वेलोसिटी होनी, वेलोसिटी ऑफ आई है ना प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। हम थानू गिवन की है पुत्र, आ एंगल दिता है 30 डिग्री, है ना, फिर थानू आ गिवन है, आ गिवन है 20, फिर थानू आ गिवन है 20, हुण इत्थे आ गए देखो, ये पैरलोग्राम नहीं है, आ पहला कंपोनेंट वेक्टर है, ये दूजा कंपोनेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का कंपोनेंट वेक्टर नाल एंगल 30 डिग्री दिता, ये टेन अल्फा इज इक्वल टू है ना, तो इहदा मतलब की बनिया पुत्र, देखो हुण आ जिहड़ा 30 डिग्री है ये अल्फा ले लैने ना, तो टैन अल्फा जिहदे बराबर लिख सकते हैं, तो इत्थे रेफरेंस पॉइंट आ वाला वैक्टर याद है, इहदा मतलब आपां उपर की लिखांगे आ वाले वैक्टर का मैगनीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा आ वाला एंगल लवांगे ना, ओवर 20 प्लस 150 कॉस थीटा, हुण क्लियर है। हुण इहदे विच टैन अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री पता ही है की हुंदा, तो हुण बेटा थोड़े लिए आ गया टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 साइन थीटा, 20 प्लस 150 कॉस थीटा
वन बाय रूट थ्री तो 20 + 150 cos थीटा इज इक्वल टू 150 रूट थ्री साइन थीटा है ना। और ये ना हमें गल न सुना हमें थोड़ा जा लेंथी हो जाना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲਈ। ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 20 + 150 cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 150 ਰੂਟ 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਲਿਖਦਾ है ना। तो आप की करिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ये बन गया पुत्र कितना 400 + 150 cos थीटा स्क्वायर प्लस 1 cos² θ² + 1 sin² θ² तो cos थीटा की जो वैल्यू निकल आई उसको थीटा निकल आया। तो थीटा अगर निकल आया तो यह मतलब थानू आ वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लग गई भी नॉर्थ नाल कितना एंगल से जो एरोप्लेन मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर वही पूछा सी उन्हें। फिर बेटा जो थीटा निकल आया थोड़ा तो फिर तुम VPEV का निकाल सकते हैं कि नहीं। VPE वो फार्मूला लाऊंगे तो VPE इज इक्वल टू अंडर रूट क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना तो आ दो वेक्टर्स है तो हाँ ए स्क्वायर प्लस समझ आई ना गल। हुण तुसी देख रहे हैं कॉस थीटा है ना तो टाइम टेकन कितों निकलेगा क्योंकि ए तो बी दी डिस्प्लेसमेंट दिती है तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BP। और AB की वैल्यू बेटा तुम्हें दी है 500 किलोमीटर तो VPE की वैल्यू तुम इतों निकाल लेनी है पर ये थानू चाहिए सी थीटा और थीटा लिए सारा प्रोसैस फॉलो करना पैना। हूँ गल सुनो हूँ इतों जी पॉइंट थानू समझ होनी चाहिए है कि हर नुमेरिकल के विच खास करके वो नुमेरिकल जिन्हों आप कहने IIT की प्रैपरेशन उहदे विच मैथमेटिकल कंसैप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेजन है ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है तो ये ते मास्टरी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि हुण इत्थे आके जदों रिजल्ट इतने तक पहुंच गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेजन ही सॉल्व करनी आती ता ही रिजल्ट खत्म है ना। तो वो सारा पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी जरूरी है ना पर नो डाउट टाइम के नाल ही होएगा ना हाले तो प्लस वन स्टार्ट हुई है बट थानू हर चीज की इंपोर्टेंस पता होनी चाहिए भी कि ज्यादा स्ट्रैस करने की लोड़ है भी पहला तो आप फिजिक्स के कंसैप्ट समझते हैं पर उस तो बाद जो अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल तो उत्ते फिर कंसैप्ट के नाल नाल मैथमेटिक्स ने भी रोल प्ले करना तो वो दोनों पॉइंट्स ने मिलकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मदद करनी। और दूजी गल बेटा कि हुण ये जिन्ने भी न्यूमेरिकल आपां रिवर बोट प्रॉब्लम दे कीते सीगे है ना वो इको तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पैंदी सानू ठीक है।
तो वो कितना वहां की रिवर ड्रॉ करो, विड्थ ड्रॉ करो, नॉर्मल टू फ्लो ड्रॉ करो, तो वो सारे स्टेप्स नू अपने अकॉर्डिंगली ना दोबारा रिवाइज करना, ये सारे न्यूमेरिकल्स तां फायदा होएगा। तो थानू समझ आई गया पुत्र गरबड़?